अभी हम करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन के अंदर जो पैरामीशियम का न्यूट्रिशन है, इसके अंदर भी हमारे वही 5 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इंजेशन। दूसरा स्टेप होगा डाइजेशन। तीसरा स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन। चौथा स्टेप होगा एसिमिलेशन। और पांचवा स्टेप होगा इजेशन। न्यूट्रिशन के ये 5 स्टेप हैं। अभी हम यहाँ पे किसके बारे में पढ़ेंगे? पैरामीशियम के बारे में। सबसे पहले पैरामीशियम की जो शेप है, अमीबा की तरह इरेगुलर नहीं होती, वो शेप क्या है? फिक्स है। तो उसकी शेप ड्रॉ कर देते हैं हम पहले पैरामीशियम की। ये है हमारे पास पैरामीशियम। पैरामीशियम ये भी सेम आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है। इसकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है? एक ही सेल प्रेजेंट है, वही सेल सारे फंक्शन करेगा, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, उसके अलावा जो रेस्पिरेशन है, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, हर एक काम को एक सेल ही परफॉर्म करेगा। सेम ये आपका अमीबा की तरह एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर मिलेगा आपको ये। और ये भी अमीबा की तरह क्या करता है? एनिमल्स को भी फीड करता है और प्लांट्स को भी फीड करता है। मतलब फाइटोप्लैंक्टोन्स को भी खाएगा ये, जूप्लैंक्टोन्स को भी खाएगा, बैक्टीरिया भी खाएगा ये, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और इसका जो शेप है वो फिक्स है, अमीबा की शेप फिक्स नहीं थी। ये भी सेम आपका यूकैरियोटिक है, जैसे अमीबा था आपका यूकैरियोट, सेम ये भी क्या है आपका? यूकैरियोट है। अब देखिए इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। जैसा कि हमने किसके अंदर रीड किया था? ये हमने रीड किया था अमीबा के अंदर। होलोजोइक का मतलब दे इनटेक सॉलिड फूड एंड डाइजेशन ऑफ द फूड इट टेक्स प्लेस इनसाइड इट्स बॉडी। और जो डाइजेशन होगा फूड का, वो इनकी बॉडी के अंदर होगा। इसमें आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो आपको छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोला जाएगा सीलिया। क्या बोला जाएगा इसको? सीलिया। तो इनकी बॉडी के अंदर जो फूड की मूवमेंट करवाने में हेल्प कौन करता है? सीलिया हेल्प करता है। जैसे कि अमीबा के अंदर कौन हेल्प करता है? सूडोपोडिया हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी के अंदर, पैरामीशियम की बॉडी के अंदर, फूड को फूड स्पॉट तक पहुंचाने के लिए, जहां पे उसका माउथ है एनिमल का, वहां तक पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करता है? सीलिया हेल्प करता है। जो आपको यहाँ पे ये डिप्रेशन नजर आ रहा है, इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फूड ऑफ पैरा, सॉरी, माउथ ऑफ पैरामीशियम। क्या है ये? पैरामीशियम का माउथ है। फूड स्पॉट भी बोलते हैं इसको हम, जहां से खाना क्या जाएगा? इसकी बॉडी के अंदर जाएगा। माउथ बोला जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा? फूड स्पॉट बोला जाएगा। यहां से अब देखिए, मान लिया यहां पे सराउंडिंग में है इसका खाना, इस खाने को यहां तक लेके कौन आएगा? जो सीलिया है, वो सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट की वजह से क्या होगा? खाना जो सराउंडिंग में, उस खाने को इकट्ठा करके कहां पे पहुंचा दिया जाएगा? इसके माउथ के पास। ये खाना यहां आ गया है, यहां पे जो उसके बाद आपको जो नीचे थोड़ा सा ग्रूव नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ग्यूलेट, GULLET। ग्यूलेट का मतलब है एक तरह से इसकी फूड पाइप। एक तरह से क्या है ये? पैरामीशियम की फूड पाइप। यहाँ पे खाना एंट्री करेगा और यहाँ से खाना कहाँ चला जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ सेल के अंदर। ये है फूड। अब जैसे ही फूड सेल के अंदर एंट्री करता है, वैसे ही फूड को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। ये कौन सा स्टेप हो गया पैरामीशियम के अंदर? इंजेशन। अब जहां पे फूड एंट्री किया है, उस एरिया को, इस प्लेस को हम क्या बोल देंगे? क्या बन गया है इसकी बॉडी के अंदर? फूड वैक्यूल। क्या बन गया यहाँ पे? फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा? फिर खाने का डाइजेशन होगा। इंजेशन हो चुका है, इंजेशन करवाने में, फूड को इनटेक करवाने में हेल्प किसने की है? सीलिया ने हेल्प की है। किसने हेल्प की है फूड को इनटेक करवाने में? सीलिया ने हेल्प की है। और सीलिया क्या है? छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि मूवमेंट करवाने में हेल्प करते हैं इस ऑर्गेनिज्म को। और इसको किसमें हेल्प करते हैं? फूड को, इसकी बॉडी के जो फूड स्पॉट है, मतलब जहां से फूड इसकी बॉडी के अंदर एंट्री करता है, वहां तक उसको पहुंचाने में हेल्प करते हैं। जैसे अमीबा में तो
फूड कहीं से भी एंटर कर सकता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन इसके अंदर फिक्स है कि फूड यहीं से ही एंट्री करेगा, माउथ से ही फूड की एंट्री होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, यहाँ पे होगा डाइजेशन। ये क्या हमने ड्रॉ कर दिया है, पैरामीशियम ड्रॉ कर दिया है, ये सीलिया है। डाइजेशन में क्या होगा, जो भी हमारा यहाँ पे ये फूड वैक्यूल था, इसके अंदर जो हमारा फूड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, सिंप्लीफाइड होना शुरू हो जाएगा। और फूड को सिंप्लीफाइड करवाएगा कौन, जो भी इसकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं फूड को डाइजेस्ट करने वाले, वो कहाँ पे एंट्री करेंगे, फूड वैक्यूल के अंदर, और फूड क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये पैरामीशियम है, यहां पे जो यहां पे डाइजेशन हुआ था, ये डाइजेशन होने के बाद ये फूड हो गया था सिंप्लीफाइड, और ये सिंप्लीफाइड फूड कहां पे चला गया है, पैरामीशियम के सेल के अंदर, यहां पे ये सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये है इसका न्यूक्लियस। अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। कौन सा प्रोसेस है ये, एब्जॉर्प्शन। सेल के अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर गया है उसको सेल क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, एनर्जी ले लेगा उससे, या फिर सेल की क्या कर लेगा, ग्रोथ कर लेगा। तो सेल की ग्रोथ शो करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसका हम क्या दिखा देंगे, पैरामीशियम का बड़ा दिखा दिया हमने, ताकि हम शो कर सके यहाँ पे सेल ने क्या किया है, एसिमिलेशन प्रोसेस परफॉर्म किया है। ये है यहाँ पे एसिमिलेशन, सेल का जो साइज है वो क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड को यूज करने के बाद इंक्रीज हो गया है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर था वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और जो बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलने के लिए इसमें कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, जहाँ से भी इसको बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन हुई है अनडाइजेस्टेड फूड की, वो वहीं से क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा। मान लिया हमने यहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा हो रखा है, तो यहीं से वो क्या हो जाएगा, बॉडी से बाहर, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल गया है, इजेशन। तो ये हमने क्या किया है, न्यूट्रिशन रीड किया है इसके अंदर, न्यूट्रिशन किसके अंदर, पैरामीशियम के अंदर, कि पैरामीशियम की बॉडी के अंदर कैसे फूड डाइजेस्ट होगा, कैसे यूज होगा, कैसे वो इजेशन होगा। तो ये था हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम।